आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ आवास पर मनाई होली। पत्रकार बंधु और कार्यकर्ताओं को रंग लगाकर खेली होली। बीजेपी नेता पूर्व विधायक कमल मलिक ने बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली पर साधा निशाना, कहा सिर्फ शब बारात की बधाई देकर कुंवर दानिश अली ने किया हिंदुओं का अपमान। यूपी के अलग अलग हिस्सों में पुलिस अधिकारियों ने जमकर खेली होली। अलग अलग गानों पर थिरकते हुए नजर आए पुलिसकर्मी। हमीरपुर में धूमधाम से मनाया गया होली का त्योहार। डीएम और एसपी ने लोगों के साथ खेली होली। फिल्म अभिनेता सतीश कौशिक का निधन। कंगना रनौत, रितेश देशमुख सहित अन्य कलाकारों ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। देश भर में होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। गुलाल और रंगों से होली खेलकर एक दूसरे को बधाई देते लोग नजर आए। इसी मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी लखनऊ आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जमकर होली का जश्न मनाया। साथ ही वहां मौजूद पत्रकार बंधुओं, स्वजनों, कर्मचारियों, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक दूसरे को गुलाल लगाकर रंगोत्सव के पर्व होली की शुभकामनाएं दी। अमरोहा लोकसभा से बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली के द्वारा सिर्फ शब बारात की बधाई का ट्वीट किए जाने के बाद बीजेपी के नेता पूर्व विधायक कमल मलिक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कुंवर दानिश अली ने उन हिंदुओं का अपमान किया है जिनके वोट से वह सांसद बने हैं। आने वाले 2024 के चुनाव में इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। 2019 में जिस समय वो यहाँ से सांसद बन करके गए थे, तो उस समय वो सिर्फ मुस्लिम मतों से सांसद नहीं बने थे, जो आज उन्होंने सभी भारत की खाली वो दी है। होली भी उत्तर पूरे भारत का बहुत ही पवित्र और प्रेम का त्यौहार है, और बहुत सारा ऐसा मतदाता था जिनका जो इनको वोट मिली जिनकी, और जिनका ये पवित्र त्यौहार होली है, वो होली को मनाते हैं। यूपी के अलग अलग हिस्सों में पुलिस अधिकारियों ने जमकर होली खेली है। बता दें कि लखनऊ, कानपुर और औरैया में पुलिस कर्मियों ने जमकर रंग खेला और डांस किया। पुलिस कर्मियों का होली खेलने का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। स्क्रीन पर आप तीन तस्वीरें देख रहे हैं, जो पहली तस्वीर लखनऊ से है, जहां बड़े धूमधाम से लोग होली का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर कानपुर से है, जहां बड़े ही धूमधाम से लोग रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं और होली का त्योहार मना रहे हैं। तीसरी तस्वीर औरैया से है, जहां बड़े ही धूमधाम से लोग नाच गानों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने जमकर होली खेली है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। खबर हमीरपुर जिले से है, जहां बड़ी धूमधाम के साथ होली का त्योहार मनाया गया। लोग गुलाल और रंगों से होली खेलकर एक दूसरे को होली की बधाई देते नजर आए। साथ ही डीएम और एसपी आवास में भी बड़े धूमधाम से एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली के पर्व की शुभकामनाएं दी, जिसमें जिले के आम नागरिकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, व्यापारियों और पत्रकारों ने उपस्थित लोगों के साथ डांस करते हुए होली का त्योहार मनाया। Yeah.
आज जनपद हमीरपुर में पूरे शांति से और सौहार्द के साथ होली का यह त्यौहार मनाया जा रहा है। जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में होली जलने के समय भी बहुत शांति रही और होली भी पूरे जनपद में शांतिपूर्वक चल रही है। सभी लोग आबाल वृद्ध नर नारी सभी लोग आनंद के साथ होली मना रहे हैं। आप लोगों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जनपद हमीरपुर के समस्त वासियों को पुलिस अधीक्षक की ओर से और पुलिस परिवार की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी जनपद वासियों ने होलिका दहन में बहुत ही शांतिपूर्वक होलिका दहन हुआ। यहाँ पर कुल 660 स्थानों पर होलिका दहन हुआ। और साथ ही आज जो मुख्य दिन है, जिस दिन लोग होली खेल रहे हैं, तो आज भी सुबह से लगातार पुलिस की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। सभी भ्रमणशील हैं, थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं अन्य ड्यूटियाँ, तो कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है। सभी लोग शांतिपूर्वक होली का आनंद ले रहे हैं। शाहजहांपुर में धूमधाम के साथ होली का त्योहार मनाया गया। रंग बिरंगे रंगों गुलाल के साथ लोगों ने जमकर होली खेली। बता दें कि पूरे भारत में शाहजहांपुर की होली इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहां लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है। इस दौरान लाट साहब को पूरे शहर में भैंसा गाड़ी पर बैठाकर घुमाया जाता है। इस तरह का जुलूस पूरे भारत में कहीं भी नहीं निकाला जाता है। शहर के गदियाना में निवर्तमान सभासद पति छंगेलाल राठौर ने उपयुक्त जुलूस की जानकारी देते हुए बताया कि आज शाहजहांपुर में होली का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया। होली का त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत बड़ा त्यौहार है। हम लोगों ने मिलकर होली मनाई है। एक दूसरे को गले मिलकर प्रेम पूर्वक रंग लगाया है और इस साल की होली बहुत बड़ी होली है। और जहां तक हमारी देखी जाए तो होली इस साल बहुत बढ़िया अच्छी तरीका से निपटी है। अच्छा, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे और शुभकामनाएं देंगे? सभी नगरवासियों को और अपने बाटवासियों को होली की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग शाम तक होली मनाएं और एक दूसरे से गले मिलें और सब लोग मिलकर होली मनाएं। प्रयागराज में होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यहां के ऐतिहासिक लोकनाथ चौराहे और चौक की होली में कपड़ा फाड़ होली मनाई जा रही है, जिसमें सभी धर्मों के लोग इकट्ठा होकर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए होली खेलते हैं। बता दें, यहाँ पर ऊपर से पाइप के जरिए रंगों की बौछार होती है और हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर डीजे की धुन में थिरकते नजर आते हैं। साथ ही एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हुए एक दूसरे से गले मिलकर होली की बधाई देते हैं। साथ ही होलियारे प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का मुखौटा लगाकर गानों पर थिरकते नजर आए। लोकनाथ की मर्जी है, जितने भी बच्चे यहाँ हर साल अधिक से अधिक कपड़ा फाड़ होली होती है, जन निपेद दल के कार्यकर्ता का और मोहल्ले के व्यापारी का सभी मिलके एक साथ होली खेलते हैं। त्यौहार होली जो आज देश भर में बड़ी आस्था के साथ मनाया जा रहा है, खास करके प्रयागराज की, तो यहाँ पर देख सकते हैं होलियारे किस तरीके से होली खेल रहे हैं। और यहाँ की बात करें सबसे खास बात कपड़ा फाड़ होली की, जो पुरानी परंपरा है यहाँ पे कपड़ा फाड़ होली जिस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर किस तरीके से कपड़े पड़े हैं और होलियारे यहाँ पे हर रंग दिख रहे हैं और उनके ऊपर पानियों की बौछार और गुलाब की पत्तियों से गुलाल से सब तरीके से ऊपर डाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कपड़ा फाड़ होली प्रयागराज की मशहूर होली है। जिस तरीके से अगर मथुरा वृंदावन की बात करें, बनारस की बात करें, हर जगह की मशहूर होली होती है। उसी तरह ये यूपी की कपड़ा फाड़ होली जो काफ़ी मशहूर है। लखनऊ में पुलिस की
की गुंडई सामने आई है, जहां गुलाल अबीर बेच रहे एक गरीब दुकानदार की दुकान को पुलिसकर्मियों ने तहस नहस कर दिया। पुलिस के शर्मनाक करतूत का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल हुए इस वीडियो में पुलिसकर्मियों ने एक गरीब की दुकान को तहस नहस करते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला दुबग्गा थाना क्षेत्र के छोटा बरावन खुर्द पावर हाउस चौराहे का बताया जा रहा है। फरुखाबाद जनपद में गांव धारा नगला में झोपड़ी में भीषण आग लग गई। आग लगने से झोपड़ी में सो रहे युवक समेत एक बकरी की मौत हो गई। वहीं झोपड़ी में मौजूद किशोर को झोपड़ी से निकाल कर बचा लिया गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल के बाद मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि मृतक के परिजनों ने रिश्तेदारों पर झोपड़ी में रंजिशन आग लगाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। महाराज खुल्ला आते बा खटिया पर हिया पर बाप पर कोई नेरे भगत पर कराई लाओ आ तब हिया बुल्लरी के मारे भीतर दाबिलो बा कुन्ना में जाए और बाप हिया पर साल ओढ़ाई दे वही परे रे सबरी मड़े जे उपति मने गिराई दे चांदी लो बरी गई आमी तब देखियो लल्ला के संग गई। बस क्या रंग लड़का का आपका का बड़े वाले लंछोर बे खत्म भए हां भए खत्म हुई को। अच्छा बे खत्म हुई है तो आ कितना कोई पता नहीं कितने आग लगाई को जानिए नहीं पाई। तो उसमें हम लोग तो सो रहे थे हमको रात में बता रहे हैं कहीं तेरी आग लगी भैया हमारा जिंदा जल गया। जिंदा जल गया जिंदा जल गया आती जैसा उसका शरीर था एक दो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्या नाम था भैया का? तनछोर यादव। क्या करता था? गाड़ी चलाता था। तो कैसे जल गया आप लोग पता नहीं कि आग लगी अंदर लेटा है? पता होते तो मैं बचा नहीं लेता। तो बंदे जिंदा जल गया कैसे पता लगा आपको? जिंदा जल गया जब आग लगने जलने लगी वो एकदम अंदर आई वो जल गया मैं अंदर घुस के गया। अंदर घुसा के पूरा बंगला ही जल रहा था तो बच्चा भी भड़ा ही भाजा उसका बंगला जो ऊपर गिर गया मैं हमारे भी झुल के जो बड़ा मुसीबत से निकाल पाए। मेरा बच्चा भी मान लो एक दूसरा था 13 साल का उसको मान लो दूसरे एक पड़ोसी ने उसे पकड़ उठा ले गए कहा गई जब उन्होंने जान पाई कहा गई हम तो आपने निकालने की कोशिश नहीं करी थी उसको? हमने लड़के को वहाँ पकड़ के उठाया और लड़का भागा कहा गई उसको डिबान टकराया गिर गो हम हमारी जैसे हमको अपनी जान बचाने की कोशिश की जब गिर गो यानी सब लोग सोई रहे तो उससे यानी जानकारी तो ना कोई कैसे लगी क्या लगी जब पूरी यानी पूरी हम पकड़ी गई तब सबने जान पाई। अच्छा आग लग गई थी उसके घर में हाँ, हाँ। फिर आप लोग पहुँचे बुझाने के लिए हाँ। क्या हुआ तो बुझाने के लिए पहुँचे पूरी जल रही तो सब लोग बुझाई उसके बाद जान पाई कि लड़का अंदर है। अच्छा पहले आग बुझाई उसके बाद में जानकारी हुई कि लड़का अंदर। आजमगढ़ गंभीरपुर थाना क्षेत्र के निवासी ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौत की सूचना मिलते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पेड़ से शव को उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गंभीरपुर थाना अध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य ने बताया कि मृतक उधम चौहान पुत्र महेंद्र चौहान के ऊपर गंभीरपुर सहित अन्य थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज थे और वह गंभीरपुर थाने का हिस्ट्री शीटर था। फिल्म अभिनेता सतीश कौशिक का निधन हो गया है। 66 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें कि उनके करीबी और को एक्टर अनुपम खेर ने ट्वीट कर उनके निधन की जानकारी दी। सतीश कौशिक का गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया जिसके बाद उनके शव का पोस्टमार्टम हुआ जिसमें मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। बता दें कि उनका पार्थिव शरीर एयर एम्बुलेंस से मुंबई लाया जाएगा। निधन के बाद पूरे फिल्म जगत में बड़ा झटका लगा है। कंगना रनौत चड्ढा रितेश देशमुख सहित अन्य कलाकारों ने ट्वीट कर सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि दी है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार।